स्वरा भास्कर ने हाल ही में अपने पति के साथ एक फोटो शेयर की जिसमें वो अपना बेबी बम फ्लॉन्ट करती नजर आई। फरवरी 2023 में उन्होंने फहाद अहमद के साथ शादी की थी। स्वरा के फैंस उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। स्वरा की शादी से पहले ही प्रेग्नेंट होने की खबर को लेकर कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। चलिए बात निकली है तो हम आपको बताते हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गईं। इलियाना डिक्रूज ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की और सभी को चौंका दिया। बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। आलिया भट्ट ने ऐसा कभी खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन अप्रैल 2021 में शादी के 2 महीने बाद ही एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी और ठीक 6 महीने बाद नवंबर में आलिया ने बेटी राहा को जन्म दिया। नेहा धूपिया ने भी एक्टर अंगद बेदी से अचानक मई 2018 में शादी की। आपको बता दें कि शादी के 6 महीने के अंदर ही नेहा धूपिया ने बेटी मेहर को जन्म दिया था। नेहा ने खुद बताया था कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। कल्कि कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुकी हैं। कल्कि ने भी अपनी प्रेगनेंसी की खबर देकर सभी को चौंका दिया। उन्होंने बिना शादी किए ही बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रिक्स ने शादी से पहले ही अपने बेटे को जन्म दिया। लीजा हेडन ने भी अपनी शादी से पहले खुद के प्रेग्नेंट होने का खुलासा किया था। साल 2016 में उन्होंने बॉयफ्रेंड डीनू लालवानी से शादी कर ली। कोंकणा सेन ने भी रणवीर शौरी से शादी के 6 महीने बाद अपने बेटे हारून को जन्म दिया। हालांकि दोनों अब अलग हो चुके हैं। महिमा चौधरी ने भी शादी के कुछ महीने बाद ही बेटी को जन्म दिया, जिससे ये तो साफ हो गया कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। श्रीदेवी भी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने खुलकर कहा था कि जब बोनी कपूर से उनकी शादी हुई तब वो प्रेग्नेंट थी। कहा जाता है कि शादी के वक्त श्रीदेवी करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और फिर उनकी बेटी जानवी कपूर इस दुनिया में आई। इनमें एक नाम सारिका का भी आता है। साउथ की एक्ट्रेस सारिका शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। उनका अफेयर कमल हसन से था। अपनी बेटी एक्ट्रेस श्रुति हसन को जन्म देने के लगभग 2 साल बाद सारिका ने कमल हसन से शादी की। नीना गुप्ता का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि नीना गुप्ता ने भी शादी के बिना प्रेगनेंसी पर हमेशा खुलकर बात की। उन्होंने अपनी बेटी और डिजाइनर मसाबा गुप्ता को अकेले ही बड़ा किया।